हे गाइस, वेलकम बैक टू चिल मेडिकोस। तो यार आज का अपना टॉपिक होने वाला है एग्रोमेगैली के ऊपर, ठीक है। तो एग्रोमेगैली के कॉज एंड साइन एंड सिम्टम्स सारे पढ़ लेंगे अपन, ठीक है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जितने भी मेरे नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक एग्रोमेगैली, ठीक है। तो एग्रोमेगैली क्या होता है? एग्रोमेगैली यार एक डिसऑर्डर है। किस वजह से होता है ये? अपना हाइपर एक्ट, जो अपनी एंटीरियर पिट्यूटरी होता है उसकी जब हाइपर एक्टिविटी देखने को मिलती है, हाइपर एक्टिविटी देखने को मिलेगी तो क्या होगा, जो ग्रोथ हार्मोन है वो ज़्यादा सीक्रेट होगा, ज़्यादा रिलीज होगा एंटीरियर पिट्यूटरी से। तो इस वजह से अपने को एग्रोमेगैली और जाइनेटिज्म देखने को मिलते हैं जनरली, ठीक है। तो एग्रोमेगैली जाइनेटिज्म से कैसे अलग है? मैंने आपको बताया था कि जाइनेटिज्म जो होता था अपना, तो जाइनेटिज्म में क्या होता था कि जहाँ पर जो एक्सेसिव ग्रोथ होती थी वो कब होती थी? जो अपनी एपिफाइसिस थी, ठीक है, एपिफाइसिस का सॉफ्ट के साथ जब फ्यूजन होने से पहले, ठीक है, पहले की ग्रोथ को अपन बोलते थे जाइनेटिज्म, ठीक है, जो एक्सेस ग्रोथ होती थी। अगर मैं एग्रोमेगैली की बात करता हूँ तो वो सॉफ्ट के फ्यूजन के बाद जो एक्सेस ग्रोथ होगी बोन में, बॉडी में, उसको अपन एग्रोमेगैली टर्म दे देते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना, ठीक है। डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाय द एनलार्जमेंट, ठीक है, बड़ी होगी बोन, थिकनिंग मतलब कि बोन की थिकनिंग होगी, और ब्रॉडरिंग मतलब कि उसकी चौड़ाई भी बढ़ती जाएगी बोन की, ठीक है। तो ये जनरली अपने को कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती हैं एग्रोमेगैली में, ठीक है। पर्टिकुलर इन एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ द बॉडी, ये टर्म आपको याद रखना है। एक्सट्रीमिटीज़ मतलब क्या? हाथ और पैर में आपको मेनली देखने को मिलेगी एग्रोमेगैली, ठीक है। कॉज देखते हैं, ड्यू टू हाइपर सीक्रेशन, ठीक है, ऑफ GH इन द एडल्ट्स आफ्टर फ्यूजन ऑफ एपिफाइसिस विद साफ्ट ऑफ बोन, ठीक है। एपिफाइसिस का जब साफ्ट के साथ फ्यूजन हो जाता है उसके बाद आपको जो ग्रोथ देखने को मिलती है एक्सट्रीमिटीज़ में, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? एग्रोमेगैली, ठीक है। वो क्यों होता है? क्योंकि हाइपर सीक्रेशन ऑफ GH हार्मोन, ठीक, सिंपल। तो अभी हाइपर सीक्रेशन क्यों होता है? हाइपर सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इज बिकॉज ऑफ ट्यूमर ऑफ एसिडोफिल सेल्स, ठीक है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी में एसिडोफिल सेल्स होते थे जो अपना क्या करवाते थे? ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाते थे या सीक्रेट करते थे, ठीक है। अगर उनमें कोई सा भी ट्यूमर क्रिएट हो गया तो क्या होगा? उनकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी तो ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट करेंगे, ठीक है। इतना समझ अपने को आता है। आगे बात करते हैं अपन साइन एंड सिम्टम्स की, ठीक है। तो जो पहला अपने को क्या देखना है, जब एग्रोमेगैली जब भी आता है आपको, ठीक है, तो आपको एक चीज़ याद रखना है, गोरिल्ला फेस, ठीक है। गोरिल्ला आपका भी देखा है बेटा आपने जूम में, ठीक है, नहीं देखा तो अपन यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है मेनली देखो गोरिल्ला फेस में, कि जो गोरिल्ला फेस के फीचर्स होते हैं वो अपने को एग्रोमेगैली, जिसको भी है, ठीक है, जिस भी व्यक्ति को एग्रोमेगैली हो रखी है तो उसका फेस भी अपने को गोरिल्ला जैसा दिखने वाला है, ठीक है। अगर आपको गोरिल्ला का फेस याद है तो आप इसके गोरिल्ला फेस के जो फीचर्स हैं, जो साइंस हैं, सिम्टम्स हैं, वो आप सारी चीज़ लिख सकते हो उसमें, ठीक है। तो कैसा दिखता है गोरिल्ला फेस? पहला देखो, प्रोट्रूजन ऑफ सुप्रा ऑर्बिटल रिज। सुप्रा ऑर्बिटल रिज क्या होती है? ये वाली, ठीक है, जो अपनी ऑर्बिट है इसके ऊपर वाली रिज को बोलेंगे अपन सुप्रा ऑर्बिटल रिज, ठीक है, जो ऑर्बिट के ऊपर होगी तो वो क्या हो जाएगी? प्रोट्रूड मतलब बाहर निकल आएगी, तो आपको उभरी हुई दिखेगी। आप यहाँ पे देखिए, आपको ये दिख रही होगी, ठीक है, बाहर निकली हुई दिख रही होगी, ऐसी गोरिल्ला के फेस में भी दिखती है, ठीक है। सेकेंड, ब्रॉडरिंग ऑफ नोज, जो नोज होती है वो काफ़ी चौड़ी हो जाती है, ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रही होगी, ठीक है, चौड़ाई हो गई ज़्यादा। आगे और देखते हैं, थिकनिंग ऑफ लिप्स, ठीक है, थिकनिंग ऑफ लिप्स मतलब कि जो लिप्स होंगे ना इसके वो काफ़ी मोटे हो जाते हैं, ठीक है। गोरिल्ला के आपने देखे होंगे लिप्स, ठीक है, तो उसके भी मोटे होते हैं, तो यहाँ पे मोटे हो जाते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये पेशेंट है, ठीक है, एग्रोमेगैली का, उसके लिप्स भी क्या हो रखे हैं यहाँ पे? काफ़ी मोटे हो गए, ठीक है। फोर्थ देखते हैं, थिकनिंग एंड रिंकलिंग फॉर्मेशन ऑफ फॉरहेड, ठीक है, जो फॉरहेड होता है तो आपको यहाँ पे देखो रिंकल्स दिख रहे हैं, ये काफ़ी मोटे हैं, ठीक है, रिंकल्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे, झुर्रियाँ यहाँ पे फोरहेड पे, ठीक है। तो ये भी क्या है अपना? एक साइन है, ठीक है। फिफ्थ देखते हैं यहाँ पे, प्रोजेनेथिस, ठीक है, प्रोजेनेथिस्म में क्या होता है? प्रोट्यूजन ऑफ लोअर जो, अगर जो लोअर जो होता है वो बाहर निकलने लगता है, ठीक है, तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है अपनी किसकी? गोरिल्ला फेस की। आपने देखा होगा गोरिल्ला रहता है उसका जो लोअर जो रहता है वो काफ़ी बाहर निकला हुआ होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, बुलडॉग स्काल्प, इसमें क्या होता है? थिकनिंग ऑफ स्काल्प मतलब जो स्काल्प होता है उसकी थिकनिंग हो जाती है, ठीक है, स्काल्प थ्रू इनटू फोल्ड्स एंड रिंकल्स। तो स्काल्प जो होता है उसमें आपको क्या? फोल्ड्स देखने को मिलेंगे, रिंकल्स देखने को मिलेंगे, जो मैंने आपको यहाँ बताए थे गोरिल्ला फेस में, ठीक है, ऐसा ही।
अब यहाँ पे क्या एक और कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है, बाई टेम्पोरल हेमी एनोपिया, ठीक है, ये मैं आपको पहले वाली वीडियो में भी बता चुका हूँ, ठीक है, जेनेटिक्स में क्या होता है बाई टेम्पोरल हेमी एनोपिया में, कि ऐसे मान के चलो कि आपकी एक आई ए वाली है और एक ए है, ठीक है, इसकी दो फील्ड होती हैं, अंदर वाली होती है नेसल फील्ड और बाहर वाली होती है अपनी टेम्पोरल फील्ड, ठीक है। तो क्या होता है इस कंडीशन में, यहाँ जो टेम्पोरल फील्ड है अपनी वो दोनों साइड की लूज कर जाती है बाई टेम्पोरल, ठीक है, बाई टेम्पोरल हेमी एनोपिया, ठीक है, तो ये विजुअल डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है। फोर्थ होता है हेडेक, ठीक है, हेडेक हो गया अपना। फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ होता है अपना कौन सा, काइफोसिस, ठीक है। तो काइफोसिस क्या होता है, ठीक है, तो इसमें आपको मैं बताता हूँ डाइग्राम से, यहाँ पे आप ये डाइग्राम देखिए, ठीक है, तो इसमें आपको क्या काइफोसिस देखना है मेनली। तो काइफोसिस में क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा एक इंसान खड़ा हुआ है जो आंग की ओर झुका झुका है, ठीक है, बेंड है, ठीक है, बेंड फॉरवर्ड। तो यहाँ पे जिसकी स्पाइनल कॉर्ड या आपने बोल दूँ वर्टीब्रा है वो आगे की साइड झुका है, इस वजह से पीछे की साइड एक आपको हम्प टाइप का दिख रहा होगा ये वाला, ठीक है। तो मतलब इसमें क्या होता है कि कोई भी पर्सन है, ठीक है, वो क्या करता है वो फॉरवर्ड मूव कर जाता है, ठीक है, फॉरवर्ड बेंडिंग हो जाती है, इस वजह से उसकी जो वर्टीब्रा कॉलम होता है वो बाहर की साइड एक हम्प क्रिएट कर लेता है, ठीक है। तो ये क्या होगा अपने काइफोसिस, ठीक है, ये वर्टीब्रल कॉलम का एक डिसऑर्डर होता है, इसमें उसका पोस्चर या अपन बोल सकते हैं उसका शेप चेंज हो जाता है, ठीक है। एक होता है स्क्लोसिस, ठीक है, तो स्क्लोसिस में क्या होता है लेटरल मूवमेंट देखने को मिलता है, लेटरल कर्व देखने को मिलता है, आपको यहाँ दिख रहा होगा लेटरल साइड कर्व, ठीक है, तो ये अपना स्क्लोसिस में देखने को मिलता है। इसके ऊपर एमसीक्यू पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आपको इसको याद करके रख लेना है। आगे बात करते हैं अपन ओवरग्रोथ ऑफ बॉडी हेयर, आपको पता है गोरिल्ला जो होता है उसके बॉडी पे काफ़ी बाल होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको बॉडी पे ज़्यादा बाल देखने को मिलेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं एनलार्जमेंट ऑफ हैंड एंड फीट, ठीक है, जो अपनी एक्सट्रीमिटीज़ थी तो उनका एनलार्जमेंट देखने को मिलता है, कॉमन सी बात है यार, ज़्यादा ग्रोथ होगी तो एनलार्जमेंट ही होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर डाइग्राम देख रहे होगे हाथ का, ठीक है, ये अपना नॉर्मल हैंड है, ठीक है, और अपने को दिख रहा है किसका एग्रोमेगैलिक हैंड, ठीक है, जिसको एग्रोमेगैली हो रखी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो बोन है उसकी ग्रोथ ज़्यादा हो रखी है, ठीक है, ब्रॉडनिंग थिकनिंग एनलार्जमेंट सारी चीज़ें देखने को मिल रही होंगी आपको इस हैंड में, ठीक है। आगे बात करते हैं और एनलार्जमेंट ऑफ विसरल ऑर्गन सच एज थाइमस लंग्स हार्ट लीवर एंड स्प्लीन, ठीक है, जो अपने विसरल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, जिसमें अपना लंग्स थाइमस हार्ट लीवर एंड स्प्लीन आता है, ठीक है, तो इनका क्या हो जाता है यहाँ पे एनलार्जमेंट, ठीक है, मतलब कि अपन बोल सकते हैं स्प्लीनोमगैली हेपेटोमगैली, ठीक है, तो ये सारी चीज़ अपने को यहाँ पे देखने को मिलती हैं, ठीक है। नाइन्थ क्या होता है हाइपर एक्टिविटी ऑफ थायरॉयड, ठीक है, पैराथायरॉयड एंड एड्रेनल ग्लैंड, ठीक है, तो यहाँ पे जो थायरॉयड ग्लैंड होता है, ठीक है, और पैराथायरॉयड ग्लैंड होता है, ठीक है, और एड्रेनल ग्लैंड होता है, तो इनकी हाइपर एक्टिविटी देखने को मिलती है। अगर हाइपर एक्टिविटी देखने को मिलेगी तो क्या होगा कि इनसे जो नॉर्मली हार्मोन्स रिलीज हो रहे थे उनका अमाउंट अपने को बॉडी में या उनका लेवल अपने को बॉडी में ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। टेंथ देखते हैं हाइपर ग्लाइसीमिया, ठीक है, एंड ग्लाइकोसूरिया, ठीक, मतलब क्या हुआ हाइपर ग्लाइसीमिया, मतलब कि अपनी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन क्या करवाता है मेनली अपनी ग्लूकोज को या फिर कार्बोहाइड्रेट को क्या यूटिलाइजेशन से प्रिवेंट करता है, पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज को क्या कम करवाता है, इस वजह से क्या ग्लूकोज का लेवल बॉडी में इंक्रीज होता है, ठीक, तो इस वजह से अपने को हाइपर ग्लाइसीमिया कंडीशन देखने को मिल सकती है। और जब अपनी बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो जो अपना मैक्सिमम जो रीअब्जॉर्प्शन होता था किडनी से, ठीक है, ग्लूकोज का, तो वो कितना होगा वहाँ पे एक मिनट में, तो अपना 370 होता है, ठीक है, तो क्या होगा वहाँ पे उससे ज़्यादा वो नहीं कर पाएगा, तो क्या एक्सेस अमाउंट जो ग्लूकोज का है उसको वो क्या कर देगा बाहर निकाल देगा, अगर वो बाहर निकालेगा तो क्या ग्लूकोज अपने को यूरिया में देखने को मिलेगा, ठीक है, तो दैट्स कंडीशन नॉन एज ग्लूकोसूरिया, ठीक है। रिजल्ट्स इन दी इस वजह से अपने को डायबिटीज मेलिटस देखने को मिलती है, ठीक है। आगे देखते हैं हाइपरटेंशन, और हाइपरटेंशन की भी कंडीशन देखने को मिलती है अपने को किस में एग्रोमेगैली में, ठीक है। तो यार अपन ने जो हाइपर एक्टिविटी ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने आपको जांजेटिज्म पढ़ा दिया, एग्रोमेगैली पढ़ा दी, ठीक है। एक और थर्ड आता है एग्रोमेगैलिक जांजेटिज्म, मतलब कि इसमें एग्रोमेगैली और जांजेटिज्म की दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। ये काफ़ी रेयर डिसऑर्डर होता है, ठीक है, कभी कभी देखने को मिलता है, और इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो जांजेटिज्म और एग्रोमेगैली जैसे ही होते हैं, ठीक। तो इसमें क्या होता है दोनों कंडीशन में होगी, देखो एग्रोमेगैली में भी जीएच हार्मोन का क्या चाइल्डहुड में क्या ज़्यादा रिलीज हो रहा है अगर जीएच हार्मोन, ठीक है, चाइल्डहुड में, तो क्या होगा तो एपिफाइजिस का फ्यूज़न होने से पहले ही बोन की ग्रोथ ज़्यादा होगी और इस वजह से अपने को जांजेटिज्म देखने को मिलेगा,
ठीक है। और अगर हाइपर सीक्रेशन ऑफ जीएच ग्रोथ हार्मोन अगर चाइल्डहुड से भी कंटिन्यू करता है अडल्ट लाइफ तक, ठीक, अडल्ट लाइफ में भी ज़्यादा ही रिलीज हो रहा है ग्रोथ हार्मोन, तो क्या होगा, शाफ्ट के फ्यूज़न के बाद भी जीएच अपना इफेक्ट दिखाएगा, बॉडी की ग्रोथ करवाएगा, एक्सट्रीमिटीज की ग्रोथ करवाएगा, इस वजह से वहाँ पे अपने को एग्रोमेगैली के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो इसलिए अपन इसको बोलते हैं एग्रोमेगैलिक जेनिटिस, ठीक है, सिंपल था। बाकी आप इसको एक बार नोट से पढ़ लेना, बाकी अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।